Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art motivation and education, and in this video we are going to discuss about the classification of mandibular fractures. And basically हमने first part में बहुत सारे classifications दिए थे. Mandibular fracture में almost आपको 11 classifications are there, in which we have discussed about the general classification. Now we are going to discuss about the very very important classification, that is the classification of AO classification. इसी AO classification के basis पर हम grade of severity जज करते हैं. ओके, नाउ एओ क्लासिफिकेशन इज़ रिलेवेंट टू इंटरनल रिजिड फिक्सेशन. ठीक है, एंड इसको याद रखने के लिए एक ही चीज़ याद रखो, दैट इज़ फ्लोसा. ओके, फ्लोसा याद रखो कि बाकी की चीज़ें याद हो जाएंगी. फ्लोसा दैट मीन्स एफ फॉर नंबर ऑफ फ्रैक्चर और फ्रेगमेंट्स, एल मीन्स लोकेशन, ओ मीन्स ऑक्लूजर, एस मीन्स सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, एंड ए मीन्स एसोशिएटेड फ्रैक्चर्स. नाउ आपके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में इट इज़ इसका जो नंबरिंग है वो F0 से F4 तक का दिया हुआ है. F0 दैट मीन्स देर इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, F1 दैट मीन्स सिंगल फ्रैक्चर, देन F2 इज दैट मीन्स मल्टीपल फ्रैक्चर, F3 दैट मीन्स कम्युनेटेड फ्रैक्चर, एंड F4 दैट मीन्स देर इज अ फ्रैक्चर विद बोन डिफेक्ट. ओके, बोन डिफेक्ट हो गई है, दैट मीन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है पेशेंट का. ठीक है, देन L पर आते हैं. तो L इज रेंजिंग फ्रॉम L1 to L8. ओके, इसमें आपको ना दो चीज़ें याद रखना, मतलब तीन चार चीज़ें हैं, लेकिन कैनाइन और एंगल, देन कॉन्डाइल, कोरोनॉइड एंड एल्वोलर प्रोसेस तो याद रखना ही है. ठीक है, कैनाइन याद रखोगे तो L1, L2 and L3 याद आएगा. कैनाइन यानी कि L1 में प्री कैनाइन, L2 में कैनाइन, L3 में पोस्ट कैनाइन, ये वाले रीजन्स में आपको हो सकता है फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है. देन एंगल पे, सुप्रा एंगल पे L6 में हो जाएगा कॉन्डाइल, L7 पर हो जाएगा कोरोनॉइड, एंड L8 पर हो जाएगा एल्वियोलर प्रोसेस. ऑक्लूजन की बात करें या तो अब इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2. अगर ऑक्लूजन है तो है, नहीं है तो नहीं है. 0 पे ऑक्लूजन नहीं है, 1 पे देयर इज माल ऑक्लूजन, एंड 2 पे कि पेशेंट ईडेंचुलस है. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट पर अगर हम देखें तो सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4. 0 पर देयर इज अ क्लोज्ड सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, देन S1 में आपका हो जाएगा ओपन इंट्रा ओरली, देन ओपन सेकेंड में आ जाएगा आपका ओपन एक्स्ट्रा ओरली, थर्ड में ओपन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा ओरली बोथ, एंड देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट हो गया है तो वो S4 में आएगा. देन एसोशिएटेड फ्रैक्चर की बात करें तो इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 6. 0 में कोई भी एसोशिएटेड फ्रैक्चर नहीं है. अगर A1 है दैट मीन्स देयर इज अ फ्रैक्चर विद द लॉस ऑफ टूथ. ठीक है, नेजल बोन का फ्रैक्चर है तो 2, जायगोमा का फ्रैक्चर है तो 3, लीफोर 1, 2, 3 है तो 4, 5, 6. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ग्रेड ऑफ सीवियरिटी, हम सीवियरिटी को कैसे देखेंगे. अगर ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 है दैट मीन्स क्लोज्ड फ्रैक्चर है. ठीक है, अभी क्लोज्ड फ्रैक्चर कैसे पता चलेगा, आप इसमें एस के बेसिस पर कर सकते हो. ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 है दैट मीन्स ओपन फ्रैक्चर है, एंड ग्रेड 5 है दैट मीन्स ओपन फ्रैक्चर है विथ दी बोन डिफेक्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एओ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स. इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज क्लोसा, बाकी चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर एकेडमिक्स, एंड इफ इट डज देन आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल. सो या आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगे. So yeah, I'll see you on the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel, and I'll see you on the next video. Thank you so much for watching.